तो दोस्तों मैंने वीडियो शूट किया शॉर्ट मेजरमेंट का और फ्लॉप कर गया, साउंड ही नहीं हुआ उसमें, पता नहीं क्यों। तो फिर से हम जा रहे हैं रिकॉर्ड करने, अच्छे तरीके से मेजरमेंट करके दिखाने वाले हैं और देखिए किस तरीके से शूट होता है, तो कितने आदमी का जरूरत पड़ता है ये देख लीजिए। यहाँ पे एकदम तैनात है कैमरा लेकर, इन्हीं का मेजरमेंट लेना है और ये मोबाइल जो है इस स्टैंड में फिक्स हो जाएगा। और ये देखिए जब पंखा चल रहा है ना, बड़ा मजा का हवा लग रहा है और यहाँ से बिल्कुल बंद हो गया, बंद होते होते मेरा तो पसीना छूट जा रहा है, इनका पसीना बिल्कुल चलता है, बंद हो गया 5 मिनट के बाद इधर से टपकने लगा। और पसीना का यही पसीना का नतीजा आप देख सकते हो सामने है, ठीक है। और एक यूट्यूबर का यही गर्व होता है एक। तो चलिए हम आप सभी को डिटेल्स में सिखाते हैं और किस तरीके से हम मेजरमेंट लेते हैं, आप सभी को भी अच्छा देखने को मिलेगा। एक बार स्मार्ट हो ज्यादा शायद आपको लग रहा था कि वीडियो में हम आने वाले हैं, और आप ध्यान दोगे तो देख लो वहाँ पे मेरा ब्लॉग चल रहा है। इन्हें बोलो कि आज ध्यान ना लोगे तो हम लोग मिला जाएंगे। चलो इसको बढ़िया से एक बार फाइल दे। साफ आ रहा है? चेक कर ली कर। नहीं अब साफ आ रहा है ना? साफ तो भर ले। साफ नहीं है ना? साफ ना भाई। सही तो साफ ना है तो अभी देख लीजिए आपकी कटिंग करो मैंने तो देख लिया। स्टार्ट करें? रोल कैमरा चौमिंग लाइट सुलभ हो गया, मध्यम हो गया। हाँ लाइट मध्यम हो जाता स्टार्ट करें। ऐसा क्यों यार? रुक स्टार्ट करें। ब्राइट करो ब्राइट। हाँ ब्राइट करो ब्राइट। अब सही है। अरे चलो रे बोला नहीं तो दोस्तों आप सभी को जो है तो दोस्तों मैं हूं सद्दाम और आप देख रहे हो आर एस एस एल डिजाइनर बुटीक और इस वीडियो में आप सभी सिखाने वाले हैं फिटिंग शॉर्ट का मेजरमेंट। इस वीडियो से बहुत ही आसान तरीके से जो बिल्कुल नए लोग हैं वो भी नाप लेना सीख जाएंगे, फिटिंग शॉर्ट का लाभ कैसे लेते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि लास्ट में बताने वाले आप सभी को कि कितना लूजिंग देने पे बिल्कुल फिट होगा और कितना लूजिंग देने पे मीडियम होगा और बिल्कुल बैगी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे तरीके से मेजरमेंट लेना सीखिए, एक कॉलर से लेके कफ तक बताने वाले हैं बहुत ही डिटेल्स में। तो देखिए सबसे पहले नाप लेने से पहले कस्टमर से दो शब्द बातें कर लेना चाहिए कि इनका शॉर्ट कैसा चाहिए, जैसा पहन के आए हैं सेम ऐसा चाहिए या इसे लंबा चाहिए, या नाप लेते समय बात करते रहते हैं और नाप लेते रहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है ना, नाप लेते रहिए और बात करते रहिए, काफी ज्यादा लगाव बना रहता है कस्टमर से। ये देखिए सबसे पहले ये जो कॉलर है, कॉलर को हम खड़ा करेंगे और नापी जो है जो अभी सीख रहे हैं वो आदत लगाए दहिने साइड से नापी लेने के लिए, जो जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है ना वो बावा साइड से नहीं या दहिने साइड से नहीं एक रेट आता है परफेक्ट। ये देखिए कॉलर खड़ा करने के बाद यहाँ पे एक जोड़ होगा तीरे का अंदर का नाप, ये नहीं कि यहाँ से बीच में से नाप लेंगे, नहीं कॉलर से सटा कर यहाँ पे रखेंगे इस इंची टेप को इस तरीके से ये ज्वाइंट के पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये लंबाई जितना शॉर्ट है ना पूछेंगे कि ये शॉर्ट आपका लंबाई सही है, अगर इससे बोलेगा लंबा बढ़ाने के लिए तो आधा इंच एक इंच बढ़ा लेते हैं, अगर बोलेगा कि अपने हिसाब से आपको लंबा शॉर्ट सी दीजिए तो हैंड को इस तरीके से रखवाते हैं और ये जो कट पॉइंट देख रहे हो ना औंठा का कट पॉइंट यहाँ तक ले जाते हैं चीटे को, तो ये आ रहा है 29 इंच। कितना आया? 29 इंच हो गया लंबाई का फॉर्मूला। अब देखते हैं चेस्ट, चेस्ट आप लोग काफी ध्यान से देखिएगा, चेस्ट और पेट और तीरा, अगर ये चीज नहीं समझे ना तो शॉर्ट मेजरमेंट आप कभी भी सही नहीं ले पाओगे।
तो हाथ को इस तरीके से ऊपर उठवा देते हैं, ऊपर उठाने के बाद में इस तरीके से इंची तक को रखेंगे और यहाँ पे एक साइड इस तरीके से देखिए दो से तीन उंगली हम अंदर डालते हैं और हाथ को आप नीचे करवा देंगे और उसके बाद पेट पेट का मेजरमेंट लेते समय पूछेंगे कि क्या आप खाना खा कर आए हो, तो बोलेगा हाँ तो डंप यानी फुलवाना नहीं है। अगर वो बिना खाना खाया हुआ है मॉर्निंग में तो पेट को हल्का क्या करेंगे आधा से पौन इंच डंप करवा लेते हैं, फुलवा लेते हैं। हिप का मेजरमेंट जरूर लेना, किसी किसी का होता है क्या सीना ज्यादा होता है हिप कम होता है, अगर हिप का मेजरमेंट लेना आप छूट जाए तो सीने का नाप आप हिप के पास रख सकते हो। और इसके बाद देखते हैं शोल्डर, शोल्डर झूलना नहीं चाहिए ठीक है, झूलना नहीं चाहिए नहीं तो उतना परफेक्ट नहीं लगता ये परफेक्ट। तो ये मेजरमेंट से आपने अच्छे तरीके से नाप ही लेना तो सीख गए। अब बात करते हैं लूजिंग का, खुश रहा करें लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से तुमको बार बार खांसी आ रहा है, ये देखिए गाइस ये कितना बार टेक लेने दिया है मैं क्या बताऊं, जब मैं बोल रहा हूँ खांस दे रहा है, जब बोल रहा हूँ खांस दे रहा है, देखिए फिर चालू हो गया, ये सही बात नहीं है, खांसी है तो जाके दवा ले लो। और ये देखिए पसीना ठीक है, मुझे तो आदत हो चुका है भाई। तो ये ब्लॉग जो है देखो फिर चालू, तो ये ब्लॉग्स आप सभी को कैसा लगा रियल में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ इस ब्लॉग से आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, क्या चीज फायदा हुआ होगा, वीडियो कैसे बनता है ये चीज सीखने में। तो भाई लाइक तो बनता है और इस वीडियो को शेयर कर देना हाँ, और जो यूट्यूबर बनना चाहता है दर्जी कमेंट जरूर कर देना कि आप बनना चाहते हो, इस वीडियो से क्या फायदा हुआ आप ये भी कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें खुश रहा करें और इस ब्लॉग्स पे अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना।